हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपके साथ बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीटर कपड़ा लिया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं हम नीचे का जो पार्ट है उसके लिए मैंने यहाँ पर 32 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी दो पीस कट कर रखी है इस तरीके से। अब ऊपर वाली साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, लाइक दिस, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, हल्का सा फोल्ड करना है इस तरीके से, और अगेन उसके बाद हम इस तरीके से 2.5 इंच पे फोल्ड करेंगे। लगभग मैं आपको 2.5 इंच पे फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए, 2.5 इंच पे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। पहले इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लें, क्योंकि कॉटन कपड़ा तो ईजिली अच्छे से हाथ से प्रेस दबाने पे ही अच्छे से प्रेस की तरह हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे चारों से नाप लेंगे कि 2.5 इंच है या नहीं। अगर कम है जाता हुआ तो उसे इक्वल बराबर कर लेंगे। और उसके बाद हम उसे यहाँ पे आप चाहे तो पिनअप कर लें या फिर चाहे तो डायरेक्ट सिलाई कर लें। अब हम इसको गैदरिंग का लुक देंगे, तो गैदरिंग के लुक देने के लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी, वो भी पूरे लाइन में, लाइक जैसे मैंने अभी पे 2.5 इंच मार्क किया, सेम उसी तरीके से 1.25 इंच पे पूरे लाइन में मार्क करेंगे इस तरीके से। सारी तरफ मार्किंग करने के बाद अब हम इन दोनों को स्टिच कर लेंगे, जहाँ पे मेरा 2.5 इंच पे मार्किंग था उसे भी, और जो 1.25 इंच पे उसे भी, इसे भी और इसे भी, इन दोनों को हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई हो चुकी है। अब देखिए गैदरिंग कैसे आएगी वो मैं बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे लास्टिक डालूँगी, तो लास्टिक मैं यहाँ पर 12 इंच का ले रही हूँ, और जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। अब हम इस तरीके से इसे लॉक करेंगे, पिन के अंदर डालेंगे, और उसके बाद पिन की मदद से जो नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर वाली जो सिक्योर की उसे नहीं हमें डालना, नीचे वाली जो हमारी लाइन थी जो लगभग में जो हमने स्टार्टिंग में फोल्ड किया था, उसमें हमें इस तरीके से इलास्टिक को डालना है अंदर सिक्योर करने के लिए। प्लास्टिक को डालने के बाद इस तरीके से कुछ हमें गैदरिंग्स को फैला लेना है इक्वल एक बराबर सारी तरफ। उसका जो पिन है हमें उसे निकाल लेना है। अब पिन को निकालने के बाद प्लास्टिक को देखिए, जो साइड के किनारी हमारी खुली हुई है उस पर हम सिलाई चलाएंगे। तो सिलाई हम इस तरीके से चलाएंगे कुछ, ये देखिए, इसको पहले बराबर कर लेना है ताकि जो हमारा गैदर्स है वो इक्वल एक बराबर आए हर जगह और देखने में अच्छा लगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे फैला लेना है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सिलाई चलानी और यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर लेना सिलाई चला के। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिलाई कर ली है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दो पल्ले कट कर लिए, बना लिए दोनों। अब देखिए यहाँ पर हमें स्टिप तैयार करनी है। स्टिप मैं यहाँ पे 3 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी तैयार कर रही हूँ। अब इन दोनों को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पिन की मदद से उसे पलट लेंगे, लाइक जैसे डोरी हमारी पलटी जाती है, सेम उसी तरीके से। इसी तरीके से हमारी दोनों डोरी तैयार हो चुकी है। हमें दोनों पल्ले को लेना है अपने, जो हमने अभी तैयार किया इलास्टिक की मदद से, इस तरीके से रखना है। और लगभग हमें 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए, ये देखिए अंदाजे से आप 1 इंच छोड़ सकते हैं, या फिर आप मेजर करके भी छोड़ सकते हैं 1 इंच। अब इस तरीके से 1 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे, और रॉन्ग साइड जो हमारा उल्टा साइड है उस साइड रखेंगे। उसके बाद इस पर सिल देंगे। सिलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा हमारा। नीचे वाले जो घेरे उसकी भी बॉटम को हम सिल देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा बना है, और नीचे की बॉटम भी मैंने फिनिशिंग दे दी है। ये 1 से 2 साल की बेबी के लिए है। इस तरीके से बेबी फ्रॉक बना सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।